वृंदावन जैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत दालमिया फॉर्म हाउस की कई एकड़ भूमि पर लगे फलदार वृक्षों के काटे जाने के मामले में पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक मजदूरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने पहुंचे मजदूरों के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार विगत कुछ दिनों पूर्व छटिकरा मार्ग स्थित दालमिया फॉर्म हाउस की कई एकड़ भूमि से भूमाफियाओं ने रातों रात 300 से अधिक वृक्षों को पॉपलाइन मशीन, जेसीबी व कटरों मशीनों के माध्यम से कटवा दिया था, जिसे लेकर हाहाकार के बाद प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही थी। शनिवार को थाना जैन पुलिस ने उक्त मामले में लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर पकड़े गए मजदूरों के परिजनों ने थाने पहुंचकर पुलिस के उच्चाधिकारियों से सभी मजदूरों को निर्दोष बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। एक छोटी सी मछली पकड़ लेना, इस तरह की ये कार्रवाई है। और कुछ सुनने में आया है, कुछ गरीब वो तुम्हारे मजदूर होते हैं, उन लोगों को भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन ऐसे लोगों को भी शायद प्रशासन ने टारगेट किया है, मीडिया के माध्यम से पता चला। असली जो लोग इनके पीछे हैं उन पर तक अगर पहुंचता है तो नई एक वृंदावन में एक मुहिम जाएगी। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो वृंदावन में एक भी लता नहीं कटेगी। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोग खुलेआम पेड़ों को काटने मजबूर काटेंगे और इसका उदाहरण देंगे कि हमने वहाँ 400 पेड़ काटे तब तुमने कुछ नहीं किया और हमने एक पेड़ काट दी तो क्या हो गया। इस तरह की मजीद ना बने, प्रशासन को कड़ी एक्शन लेना चाहिए और इन पेड़ों को जितने काटे हैं उससे चौगुने पेड़ उन्हें अभी तत्काल प्रभाव से लगाने चाहिए। महाराज जिस तरह नाम है तुम्हारा? हमारा रेखा नाम है। कहाँ रहती है? हम और यहाँ अशोक नर्सरी के पास रहते हैं। अशोक नर्सरी, आइए आप थाने आए हैं, क्या मामला है? हम इसलिए कि हम लोग वैष्णो देवी काम करने के लिए गए थे तो हमारे प्लास्टर कराते तो इंजीनियर साहब ने बोला कि मिस्त्री लगा, तो हम लोगों ने कही 3 मिस्त्री लगा है तो पुलिस के सामने उसने बुलाया और बस ये बोले कि वहाँ मर्डर बहुत फिंगर लगने हैं। तो हम लोग चले गए साथ में, फिर बोला कि फिंगर लगने के बाद 10 मिनट में आएंगे। 10 मिनट से 3 दिन हो गए हम लोग, हमारे बच्चे रो रहे हैं और हमारे बच्चे को कुछ भी होगा तो पुलिस जिम्मेदार रहेगा। हम लोग MP से हैं, भूखे प्यासे आज चूल्हे में आग ही नहीं। तो क्या आप पेड़ काटे थे आपने? नहीं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग तो छत्तीसगढ़ में रहते, हम लोग उधर क्यों जाएंगे यार। हम लोग मजदूर आदमी हैं, MP के रहने वाले हैं, हम लोग चुनाई प्लास्टर का काम करते, हम पेड़ों को क्या करेंगे। उनको भी पकड़ लाए मालक ने पेड़ कटवाया और लेबर को पकड़ा दिया। तो लगभग कितने लोग गिरफ्तार किए थे? पूरे 40-45 लोग हैं। 40-45? हाँ। अभी कई दिन से गिरफ्तार थे? 3 दिन है, 3 दिन होगा, 10 मिनट की क्या के 3 दिन हो गए। 3 दिन? हाँ, अभी बस में लेके चला गया कि अभी आ जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मरेंगे। कितने लोग हैं लगभग, आप कितने परिवार के लोग यहाँ? हमारे 4 लोग हैं। अभी आप थाने आए हैं, क्या मामला है? थाने आए थे, भगा पुलिस वालों ने भगा दिया, बोले कि अभी मेडिकल करवा के आ रहा है, तुम्हारे आदमी 4 बजे तक आ जाएंगे। 4 बजे की कैफी अभी तक बताया नहीं है कुछ, अभी गए हैं थोड़ी देर पहले। किस बात पे उठाया था, क्या मामला बताया? पेड़ों के जुल्म में पेड़ कटवाए मालक ने और बिद गए मजदूर। तो क्या कितने लोग उसमें काम कर रहे थे पेड़ जब कटाने का? हम लोग को नहीं पता, वो तो दूसरी साइड पे कट रहे थे और काम लगाता दूसरी साइड पे। तो किस तरह इनको क्यों उठाया गया कि जब ये नहीं थे तो क्यों उठाया गया? मालक नहीं मिला तो लेबर को उठा के ले आए, पुलिस वाले कह रहे थे 1 घंटे में लेके आए, 1 घंटे के 3 दिन हो गए, हमारे आदमी ना आए अभी सब। तो ये बताया गया था कि जैन पुलिस ने 3 दिन से लोगों को बंद करके रखा था। हाँ, 3 दिन हो चुके हैं, आज 3रा दिन चल रहा है। आज आपको कैसे पता पड़ा कि ये जैन पे है? एक पैसे तो अभी बस में बाहर के ले गए। अभी आपने क्या कह गए हैं? हम लोगों से ये कह गए हैं कि हम मेडिकल करवाने जा रहे हैं, इनको छोड़ देंगे। मजदूर हो, मजदूर हो, मजदूरी से ही खर्चा चलता है, 3 दिन से कैसे खर्चा चल रहा है? कुछ नहीं खाया साहब, हम लोग 3 ही दिन से रो रहा, 3 ही दिन से ऐसी टोल रहा है, डर रहा थे। कल शाम के तो भगा दिया था, हम लोगों को कह रहे थे जाओ जाओ कल छूट जाएंगे 12-1 बजे तक, 12-1 बजे से 4 बजने की कह दी। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग को तो था हमारे आदमी छोड़ दे, जो जिसने पेड़ कटवा उसको गिरफ्तार कर ले।